नमस्कार छात्रों, कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो छात्रों, गीतांजलि परिवार में आज फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, मेरा नाम है वाघेला पायल और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रही है वो है कक्षा 8 का विषय हिंदी, जिसका एकम है यानी कि विषयांक है अंतरिक्ष परिसुमिता विलयन। छात्रों, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा आगे के क्लास में की थी, आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो जो अंतरिक्ष परिसुमिता विलयन है उसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख, तो वो भी एक स्त्री है। तो छात्रों, हम जानते हैं कि आज की जो स्त्री है ना वो पुरुषों के साथ साथ चलने वाली है, यानी कि उनके पाँव से पाँव चला सकती है स्त्री। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र में आप जाओ तो हर जगह पर आपको स्त्री तो दिखेगी ही। तो कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर शैक्षणिक क्षेत्र हो तो स्त्री सबसे आगे है। आज स्त्री का जो स्थान है वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, आप जानते हैं वो। तो भारत में भी कई सारी महान महान वीरांगनाएं हो चुकी है और जो झांसी की रानी है उनकी एक छोटी सी छोटा सा काव्य है जो बहुत ही प्रख्यात है, उनकी अच्छी सी सीरियल भी आती है, तो आप सब बच्चों ने शायद देखी होंगी। तो मैं आपको उसकी एक पंक्ति सुनाती हूँ। बुंदेले हर बोलो के मो, बुंदेले हर बोलो के मो, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मो, हमने सुनी कहानी थी। युद्ध में लड़ी मर्दानी जो वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी की। छात्रों, झांसी वाली रानी की बात हम करें तो वो उनका जो छोटा सा बच्चा था उसको अपनी पीठ पर बांधकर वो युद्ध में तलवार लेकर दुश्मनों के साथ लड़ाई करने के लिए जाती है। और भारत में ऐसी कई सारी महान महान वीरांगनाएं हो चुकी है, जैसे कि भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी, जिनके बारे में भी आप सब जानते हो। तो छात्रों, पहले के समय में क्या कहा जा रहा था, जूनी परंपराएं थी, पुरानी परंपराएं थी। तो कोई अपने सभी के मम्मी पापा यही कहते कि लड़की है तो उसको सिर्फ घर का ही काम करना है, बाहर कहीं पर नहीं जाना है, सिर्फ घर का काम करना है, सब लोगों की देखभाल करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा करना, बस यही लड़कियों का काम था। और कहीं पर बाहर भी नहीं जाने देते, पढ़ाई भी नहीं करने देते। लेकिन उस समय में जो किरण बेदी है जो भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर बनी, जैसे कि ऐसी महान महान कई सारी वीरांगनाएं हैं, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा जिनका एक पाव कट गया था फिर भी उन्होंने एवरेस्ट पर्वत सर किया। तो इस तरह से कई सारी भारत की ऐसी महान महान वीरांगनाएं हैं। तो छात्रों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें भारत जैसी भूमि पर अच्छा सा स्थान मिला, हम भारत जैसी भूमि पर जन्मे हैं। तो अब अंतरिक्ष परिसुमिता विलियम्स है वो भारत की अंतरिक्ष यात्री जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली कौन थी स्त्री, वो थी कल्पना चावला, जो आपको याद रखना है। अब हम एक के बारे में चर्चा करते हैं, वरना जो भारत के महान महान वीरांगनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो वो चर्चा तो खत्म होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनकी लंबी लंबी कहानियां हैं। आप सुनोगे, आप YouTube में तो सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीरांगनाओं की पूरी पूरी कहानियां सुनने को मिल जाएगी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। भारत की जो करनाल शहर की जो कल्पना चावला थी उनको प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था, यानी कि उनको सम्मानित किया गया था कि वो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, भारत के प्रथम जो पुरुष है राकेश शर्मा वो थे, उन्होंने भी प्रथम ही अंतरिक्ष यात्रा की थी। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला भोसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, लेकिन अंतरिक्ष यात्री तो बनी, कल्पना चावला अंतरिक्ष में तो गई लेकिन बहुत हौसले के साथ, लेकिन वहां पर से वापस नहीं आ सकती। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिव्य स्वप्न को
आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता विलियम्स जो है उनका भारतीय होना हमारे लिए एक गर्व की बात है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई लेकिन वो वापस नहीं आ सकी, लेकिन जो सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष में गई और वहां से वापस भी आई, तो उन्होंने जो कल्पना चावला का जो स्वप्न था वो पूर्ण किया। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता विलियम्स भारत की स्त्री है, नारी है, तो हमें बहुत ही गर्व की बात, गर्व होना चाहिए कि वो हमारे भारत जैसे देश पर ऐसी अच्छी अच्छी महान वीरांगनाएं हो चुकी हैं। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? उनके जो उनका नाम है सुनीता विलियम्स जो एक अंग्रेजी टाइप का नाम है, तो सभी लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि वो तो विलियम्स लगा है, तो वो भारतीय या फिर गुजराती कैसे होगी? वो भारतीय या गुजराती नहीं होगी। यह हमारे मन में प्रश्न उठता होगा, कई सारे लोग ऐसे प्रश्न उठाते होंगे कि सुनीता जो है उनके पीछे उनकी जो सरनेम है वो क्या है? विलियम्स। तो विलियम्स जो है वो तो अंग्रेजी नाम है, तो वो भारतीय या फिर गुजराती नहीं हो सकती। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है, लेकिन वो भारतीवासी नहीं है, वो भारत की नारी नहीं है, लेकिन उनका जो मूल है वो कहाँ पर है? गुजरात के वो मूल, ऐसे कहना कि उनके मम्मी पापा गुजरात के होंगे, फिर विदेश में रहने को चले गए और वहां पर उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका मूल तो गुजरात ही हुआ। इसके कारण हमें गर्व है कि सुनीता विलियम्स भारत की नारी है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका जो मूल है वो गुजरात से जुड़ा है। जो सुनीता विलियम्स है वो भारत की नागरिक नहीं है, परंतु उनका जो मूल है यानी कि वो पहले उनके जो मम्मी पापा थे वो गुजरात के होंगे, यानी कि इसीलिए उनका जो मूल है वो गुजरात है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासर गांव में हुआ था। उनके जो पिता थे दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से गांव झूलासर गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई थी। उनके जो पिता थे दीपक भाई पंड्या, उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की थी? अहमदाबाद में ही प्राप्त की थी। डॉक्टरी सेवा लेकर वो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अच्छे से डॉक्टर बन जाते हैं। और 1960 में वे सदा के लिए, हमेशा के लिए वो कहाँ पर चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं। वे मैसाचुसेट्स के कार्लाउफ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है। वो जो मैसाचुसेट्स यानी कि एक अमेरिका के राज्य है मैसाचुसेट्स, और न्यूरोसर्जन यानी कि जो मस्तिष्क के अच्छे से सर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले को क्या कहा जाता है? न्यूरोसर्जन। वो अमेरिका के एक राज्य मैसाचुसेट्स में अच्छे से मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले एक न्यूरोसर्जन बन जाते हैं। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नाम की युगोस्लावियन युवती से शादी की। उन्होंने अमेरिका तो चले गए लेकिन वहां पर अच्छे से न्यूरोसर्जन बन गए, और उसके बाद वहां की जो युगोस्लावियन एक वहां का एक राज्य का नाम है, तो वहां पर एक देश का नाम है युगोस्लाविया, एक देश का नाम है। वहां पर एक युवती से उर्सबाइन नाम बोनी नाम की जो स्त्री थी उनके साथ वो शादी कर लेते हैं। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के छह बिना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। उनके पिता का नाम है क्या है? दीपक पंड्या और माता का नाम है उर्सबाइन के छह बिना और सुनीता तीन बच्चे हैं और सबसे छोटी वो है सुनीता। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में
ज्ञानी मैंने यहाँ पर यही नहीं लिखा है, लेकिन सांसी ज्ञानी की कुछ करने के करने का जुनून होना, कुछ करने की हमारे अंदर ऐसी ताकत होना। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। जो सुनीता विनर थी जो छोटी थी, लेकिन तब से ही उनके अंदर साहसिक वृत्ति इतनी भरी थी कि वो बहुत सारे ऐसे खेल भी करती थी। तो क्या क्या करती थी? दौड़, बचपन से ही वो दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। घर में उसे क्या कहा, क्या कहते, पुकारते थे? सुनी। उनका नाम तो सुनीता था, लेकिन उनके मम्मी पापा प्यार से उन्हें सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। यह जो सुनीता थी वो 6 साल की थी, तब उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो चांद की धरती पर उतरते देखा था, चांद की धरती पर उतरते उन्होंने देखा था, तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा काम दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने बड़े होकर साकार किया। यह जो सुनीता विलियम्स थी वो जो छोटी थी, 6 साल की, तभी से उन्होंने निश्चय किया था कि मैं बड़ी होगी होकर मैं ऐसा कुछ दुनिया को दिखाऊंगी, ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी। बचपन का संकल्प, वो जब बड़ी होती है तब उनका जो बचपन का जो संकल्प था, निश्चय था, वो पूर्ण करती है। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई थी और यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया था। भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उनके साथ उन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक उन्होंने किया। इसके पहले 1887 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां को महत्व मिला था। छात्रों इसके बाद नेवी में एनिमेशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद उनको प्राप्त हुआ था। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। उन्होंने प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद वह ऑफिसर इंचार्ज भी बन जाती है। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया था। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम मिला था, उनका प्रथम कदम मिला था कहाँ पर? वो जब पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने प्रथम कदम माना था कि वो पायलट बनी तो अब धीरे धीरे अंतरिक्ष में भी वो जाएगी। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा उनको बचपन से ही थी। वो जब छोटी थी तभी से उनको अंतरिक्ष में जाने की इच्छा तो थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ था। उन्होंने प्रयास किया कि मुझे ऐसा मेरा चयन करे, यानी कि मेरी मुझे पसंद करे कि मैं अंतरिक्ष में जा सकूं, और उनका दूसरा चयन उनको किया जाता है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल शुरू है। दुनिया में से कई सारे पायलट हैं जो विमान चलाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल कितने हैं? 100 ही हैं। कितने? 100। तो छात्रों यह जो इकाई है मैं यहीं तक रखती हूँ। आगे का इकाई हम अगले के क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रखती हूँ। और ये बारम्बार देखना, कुछ न समझ में आया तो छात्रों 16 तारीख को स्कूल पर आ जाना। तो छात्रों और होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। इसका जो स्वाध्याय है वो आपको प्रश्न 1 आप लिख लेना, आगे के प्रश्न मैं आपको
आगे के कम में आगे का लिखने को दे दूंगी। छात्रों प्रश्न एक स्वाध्याय कम में मैंने आपको एक चोपड़ा बनाने को कहा है क्विज़ का, जिसमें में आपको यह जो सारे प्रश्न है वो लिखने हैं। तो छात्रों चलिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित।